हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर दिल्ली की है। दिल्ली में दिल्ली का दर्द भी दिखेगा आपको, और ये दर्द दो तरफा दिखेगा आपको। दर्द में वो भी हैं जो पिछले 67 दिनों से शाहीन बाग में धरने पर बैठे हैं, और दर्द में वो भी हैं जो शाहीन बाग के कारण रोज घंटों जाम में फंसे रहते हैं। और इसकी वजह वही है, नागरिकता कानून का विरोध। सरकार कह चुकी है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन प्रदर्शनकारी कह चुके हैं कि अगर कानून वापस नहीं होगा तो सड़क से हम नहीं हटेंगे। मतलब दिल्ली की जनता की सुनने वाला इस वक्त कोई नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? आखिर क्यों एक सड़क खुलवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा? कोर्ट की पहल पर आज शाहीन बाग में बातचीत की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों ने शाहीन बाग के लोगों का पक्ष सुना, लेकिन पहले दिन की बातचीत में यह संकेत मिल गया है कि मामला इतनी आसानी से अभी सुलझने वाला नहीं है। लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए संजय हेगड़े जी और साधना रामचंद्रन, शाहीन बाग के जिस मंच पर पिछले 67 दिनों में तरह तरह के भाषण हुए, जिस मंच का राजनीतिक इस्तेमाल भी किया गया, आज उसी मंच पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजे गए दो वार्ताकार पहुंचे। वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन बातचीत का रास्ता निकालने के मकसद से यहां आए। शुरुआत जय हिंद से हुई। भाई साहब प्लीज, चूंकि इस आंदोलन का कोई नेता नहीं, इसलिए इन दोनों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि बातचीत की शुरुआत किससे और कैसे की जाए। सामने मौजूद भीड़ शांत नहीं हो रही थी, तो इन वकीलों ने पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने अपनी बात रखनी शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जरूरी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना, आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन साधना रामचंद्रन के इतना कहते ही जोरदार तालियां बजी, जिसके बाद उन्होंने वो बात कही जिस मकसद से उन्हें यहाँ भेजा गया। लेकिन लेकिन हम सबकी तरह और भी नागरिक हैं जिनके भी हक हैं, जैसे कि जो नागरिक ये रोड इस्तेमाल करते हैं, छोटे वाले रोड की इस्तेमाल करते हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी हमारी और आपकी तरह नागरिक हैं, तो उनका भी हक है अपनी दुकान तक पहुंचना, डॉक्टर का हक है अपोलो हॉस्पिटल तक पहुंचना, लोगों का हक है अपने काम पे पहुंचना, बच्चे अपने स्कूल पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आपका हक बरकरार है, लेकिन हक वहीं तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया जाए। इशारा साफ था कि 67 दिनों से बंद पड़ी सड़क की वजह से करीब 10 लाख लोगों को रोज जो परेशानी हो रही है उसके बारे में भी सोचा जाए। इसके बाद वकील साधना रामचंद्रन ने लोगों से कुछ सवाल किए। अच्छा, तो पहला सवाल ये है, आप मानते हैं हम सब लोग नागरिक हैं? जी। दूसरा सवाल, आप मानते हैं हम सबका हक है? क्या हम चाहेंगे कोई बच्चा स्कूल ना जाए? क्या हम चाहेंगे कोई मरीज उसमें जो आप कहना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है, तो आपको आवाज बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन आप इसका सिर्फ छोटा सा हल हमें ये निकालना है, और उसको हमें आपको हम सुनना चाहेंगे कि हम ऐसा हल कैसे निकालें कि रोड जो है खुल जाए, रोड उसको इस्तेमाल करें। वकीलों की तरफ से जैसे ही रोड खोलने की बात रखी गई, प्रदर्शनकारियों ने एक के बाद एक इसका विरोध किया। नहीं, सीए वापस लो, सीए वापस, सीए वापस लो, नहीं खुलेगा,
कहीं जाएगा आज खुल गया था, कल से कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये बोला दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, ठंडे बस्ते में डाल देगा। पुलिस वालों ने बंद कर रखा है, 5% हमने कर रखा है, 3 तरफ से उन्होंने बंद कर रखा है, आप उनको तो खुलवाइए। ऐसे हर बयान पर तालियां बज रही थी। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि उनके प्रदर्शन की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जो रोज की बात है, जहाँ तक हम समझे हैं, तो ये कह रही है कि हमने तो एक चौथाई जो रोड है वो घेरा हुआ है, बाकी जो बैरिकेड लगे हुए हैं तो पुलिस ने लगाए हैं, उसके हम जिम्मेवार नहीं है। ये कहना चाह रही आप? ये कहना चाह रही है? नहीं नहीं कह रही। दादी का कहना था कि हमारे को जो लगा हुआ है उनका ये सब ये 150 मीटर में है। प्रदर्शन में मौजूद बुजुर्ग महिलाओं की तरफ से कहा गया कि जब तक सीए वापस नहीं होगा वो नहीं हटेंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की तरफ से शाहीन बाग को लेकर हो रही राजनीति और बयानबाजी का मुद्दा उठाया गया। जो हमारे होम मिनिस्टर है, वही नागरिक जिसको सबसे ऐसा बटन दबाओ कि हम पागल को खारिज कर दें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजे गए वार्ताकार करीब 2 घंटे तक ऐसे ही लोगों की बातें सुनते रहे। लगातार सवालों की बौछार हो रही थी और इस तरह आज की बातचीत खत्म हो गई। न कोई नतीजा निकला न रास्ता। आपको 2 से 2.5 लाख लोगों की परेशानी दिख रही है, 28 से 30 करोड़ लोगों की परेशानी नहीं दिख रही है, और ये क्या मजाक है? हमारी लड़ाई जो है ये सीएए के खिलाफ है और आप यहाँ पर सोल्यूशन सड़क के लेकर के आ रहे हैं। हम दोनों ने आज पहली मुलाकात की हमारी शाहीन बाकी दादियों से, बहनों से, माताओं से और नागरिकों से। बहुत अच्छा लगा सबको मिलना, सबकी बात सुनना। आज कल भी आप लोग? और जी जी जी, हमने पहले उनसे पूछा कि वो चाहते हैं कि हम कल आए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, आज बात तो पूरी हो नहीं पाई, आज शुरुआत ही हुई है, और वो सब चाहते हैं कि हम कल दोबारा आए, तो हम आएंगे। यानी शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत का ये दौर अभी रविवार तक जारी रह सकता है, पर सवाल है कि ये बातचीत किस दिशा में बढ़ पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार रास्ता खुलवाने पर बात करना चाहते हैं और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी सीए को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। तो आज जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए वार्ताकार शाहीन बाग पहुंचे, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी दिल्ली में अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से शुरू किए गए हुनर हाट पहुंच गए। ये सरप्राइज विजिट थी। मोदी का अगला सरप्राइज था हुनर हाट में बैठकर लिट्टी चोखा खाना। लिट्टी चोखा यानी बिहार का खाना। बिहार यानी वो राज्य जहां अगला विधानसभा चुनाव होना है। तो क्या मोदी का हुनर हाट पहुंचना और लिट्टी चोखा खाना संयोग था या प्रयोग? आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी को लिट्टी चोखा खाते देखा है? वो भी खाट पर बैठकर? नहीं देखा होगा, आज देख लीजिए। तस्वीरें दिल्ली की हैं, लेकिन जरा गौर से देखिए दुकान पर क्या लिखा है। लिखा है बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा। पीएम मोदी को अपनी दुकान पर खाना खाते देख यह दुकानदार पीछे से ही सही तस्वीर को मोबाइल में कैप्चर कर लेना चाहता है। ये तस्वीरें खुद पीएम मोदी ने ट्वीट की और लिखा, हुनर हाट में गर्म चाय के साथ स्वादिष्ट लिट्टी चोखा का लंच किया। दिल्ली देश की सियासत का गढ़ है, मौजूदा राष्ट्रीय राजनीति में मोदी से बड़ा कोई दूसरा नेता नहीं। प्रतीकों की राजनीति के जरिए जनता से जुड़ने में मोदी माहिर है। तो क्या मोदी ने यही करने की कोशिश की? साल के आखिर में बिहार में चुनाव है, सवाल है लिट्टी चोखा चक्कर नजर बिहार चुनाव पर तो नहीं? दिल्ली में इंडिया गेट के पास यह हुनर हाट मेला लगा हुआ है। मेले में तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट, खाने पीने के सामान मिल रहे हैं। पीएम मोदी आज अचानक वहां पहुंच गए। उनके साथ
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी थे। मोदी ने वहां हर चीज को गौर से देखा, म्यूजिक भी बजाया। एक दिव्यांग लड़की से भी मिले और उससे बात की। पेंटिंग बनाती हूँ। पेंटिंग बनाती हूँ। ये लाल लाल एक ही प्रकार से काम करते हैं। कहाँ ट्रेनिंग हुई आपकी? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है। हुनर हाट में मोदी को गिफ्ट देने वालों की कमी नहीं थी। किसी ने पेंटिंग्स भेंट की तो किसी ने भारत का नक्शा। बढ़िया बनाए सब। गांधी जी बनाए। वाह। दिल्ली में लगे हुनर हाट में पीएम से मिलने वालों, उनके साथ सेल्फी लेने वालों का तांता लगा था। प्रधानमंत्री ने कई लोगों से बात की, हाथ मिलाया। मुंबई के अताउर रहमान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। कैसा लगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री से मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या बोले आपको? मेरी जिंदगी से पहली बार मैंने एक प्रधानमंत्री से मुसाफा हाथ मिला है, बहुत खुशी हुई मुझको। ये सहयोगी है। उधर शाहीन बाग में इंटरलोक्यूटर्स बात कर रहे थे और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए हुनर हाट में मौजूद थे। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।